हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्यूबलिंग पेपर से हम स्टड्स कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत इजी तरीके से ये बन जाते हैं। आप आसानी से इनको बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे मैंने और भी बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने फ्लावर डिजाइन में बनाया हुआ है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। क्यूलिंग पेपर से बहुत इजीली आप इयररिंग्स वगैरह बना सकते हैं। मैं अभी और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, क्यूलिंग पेपर से हम किस तरह से डिजाइन बना सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने बनाई हुई है और एक ये इस तरह से बनाया हुआ है। ये आप नॉर्मल जीन्स सूट वगैरह पे पहन सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़े हैवी में बनाए हैं मैंने ये, लेकिन सिल्क थ्रेड वाले हैं। ये देखिए, और यहाँ पे ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये क्यूलिंग पेपर का है। ये टैग इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैं इनको सेल भी कर चुकी हूँ बहुत सारे बना के। ये देखिए, क्यूलिंग पेपर का बनाया हुआ है। और बाकी और मैं आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ ऐसे ही दिखा सकती हूँ अभी जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप मेरा क्यूलिंग पेपर से और सिल्क थ्रेड से बनाए हुए इयररिंग्स। ये देखिए, एंड ये देखिए। बाकी अगर आप बोलेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको देखना है मेरा क्यूलिंग पेपर से और सिल्क थ्रेड से जो मैंने इयररिंग्स बनाए हैं उनका कलेक्शन अगर आपको देखना है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम ये स्टड्स बना के देखते हैं कि किस तरह से हम बना सकते हैं। स्टड बनाने के लिए हमें क्या क्या लेना है, क्यूलिंग स्टड्स जो हम बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने क्यूलिंग स्ट्रिप्स ली हैं, 6 ली हैं ये, और एक ये डायमंड चेन लेना है, और ये कुछ इस तरह से ये हुक हैं जो हम पीछे फंसाते हैं वो लेना है, और ये लेना है लगाने के लिए, ये रोल करने के लिए क्यूलिंग स्ट्रिप्स को, और एक ग्लू लेना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक एक इयररिंग्स के लिए हम 3 स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे और बाकी 3 हम रख देते हैं साइड में अभी। तो आपको कुछ इस तरह से इसमें डालना है, ये ऐसे, और इसको रोल करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, लास्ट में आपको ग्लू लगाना है और सेकेंड स्टेप्स ऐड करना है। थोड़ा सा होल्ड करिएगा ताकि ये उसमें चिपक जाए। ये देखिए, अगेन इसको राउंड करना है। फिर से हम ग्लू लगाएंगे और थर्ड वाली स्टेप्स ऐड करेंगे। ये देखिए, लास्ट में ग्लू लगा के इसको हम एंड कर देंगे। ये देखिए, इसको अब निकाल लेंगे। ये देखिए, ये तैयार है। अब हम दूसरा भी बना लेते हैं। ये देखिए, दोनों मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनमें ग्लू ऐड करूंगी। आपको फिंगर की हेल्प से अच्छे से इसमें लगा देना है, दोनों साइड लगाइएगा आगे पीछे। अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे।
कुछ इस तरह से आप लगा दीजिएगा। अब हम इसको ड्राई होने देते हैं। ये देखिए अब ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ग्लू अप्लाई करेंगे और ये मोती इसमें लगा देंगे। दोनों में हम ग्लू अप्लाई करके मोती लगा देंगे। इसमें भी मोती लगा देंगे हम। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। अब हम इसमें लगाएंगे डायमंड चेन। ये देखिए यहाँ पे मैंने डायमंड चेन ली हुई है, तो इसको हम इसमें लगा देंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही इसको कट कर लिया है इसके हिसाब से। अब हम इसमें ग्लू अप्लाई करेंगे और इस डायमंड चेन को इसमें लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको लगाना है इसमें डायमंड चेन। अब हम दोनों में लगा देते हैं। ये देखिए ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये पीछे हुक लगाएंगे। इसमें पहले ग्लू लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे। ये देखिए दोनों में लगा देते हैं हम। ये इसको सेंटर में लगाना है आपको। ये देखिए अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए अभी ये ड्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ये। अब हम इसमें ये पेंच लगा देंगे कुछ इस तरीके से। इसमें भी अप्लाई कर देंगे ये। ये देखिए हमारे स्टड्स बनके तैयार हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये स्टड्स आपको कैसे लगे। ये देखिए ये आप देख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।